हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मैं इग्नू रिजल्ट 2022 क्या अपडेट आया। दोस्तों क्या आज फिर से अपडेट आया वेबसाइट पे या नहीं आया, तो वीडियो को चेक करते हैं या एक नए एनरोलमेंट नंबर का रिजल्ट चेक करते हैं कि किस तरह से एक नए एनरोलमेंट नंबर में कितने नंबर आए, वो बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पढ़ने मिलती रहती है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, आज 3 मिनट से भी कम की वीडियो होगी, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको अभी तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट होती रहती है। तो सिंपल से वहां पर जाकर भी आप अपना कुछ भी चेक कर सकते हो या क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो। तो आपके सामने स्क्रीन आ चुकी होगी दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है इग्नू। इग्नू टाइप करते ही आपके सामने पहली वेबसाइट में दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे डायरेक्टली, तो इसमें टर्म एंड पर क्लिक कर देंगे। टर्म एंड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लिंक आया हुआ है जून 2022 एग्जाम रिजल्ट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी 27 सितंबर तक का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर तक रिजल्ट अपडेट हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों के रिजल्ट अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर 2 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट अपडेट हुआ है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग कोर्सेज का रिजल्ट अपडेट हो रहा है, तो आप अपना नहीं आ रहा है तो ये मत समझिए कि रिजल्ट वेबसाइट अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ डाला जाता है, तभी अपडेट होता है। ठीक है, तो सिंपल से आज एक नया एनरोलमेंट नंबर टाइप करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपल से हम यहाँ टाइप करेंगे 21069185 20। तो मैंने एनरोलमेंट नंबर टाइप कर लिया है, तो सिंपल से आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसका एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में रिजल्ट आया दोस्तों 21 तारीख को अपडेट हुआ था, जिसमें 100 में से 60 नंबर आए, 50 में से 18 नंबर आए, और कुछ के डाउट होते हैं कि 18 नंबर में पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो सिंपल से आपका जब ग्रेड कार्ड अपडेट होगा तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस 18 में पास होंगे या नहीं होंगे। तो ये वीडियो 9:09 पे शूट हो रही है, इस वजह से आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब इसका रिजल्ट करते हैं कैंसिल। तो सिंपल से आपको अब किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा होगा कि मैंने इतना लिख के आया और आप नंबर कम आए हैं, तो आप सिंपल से रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। इसको किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, कौन सी वेबसाइट से भराएगा, सब कुछ मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आना भी जरूरी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।